नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मुख्तार अंसारी और उसके बेटे के केस में सुनवाई होनी है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया के वकील ने कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी। इसी को लेकर आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मामला सुनाया जाएगा। इस दौरान कोर्ट में ईडी की तरफ से भी रिपोर्ट जमा की जाएगी। रिपोर्ट सही पाए जाने पर आरोप तय किए जाएंगे। ईडी ने 2021 में मुख्तार और उसके बेटे अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दरअसल मुख्तार ने प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षक में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठाया था और मुख्तार की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। हालांकि तब तकनीकी कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके बाद उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट से कार्रवाई की सजा सुनाई गई थी। और वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही दोनों पर भारी भंकर जुर्माना भी लगाया गया था। मुख्तार को 10 साल की सजा मिली है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं अफजाल को 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने नवंबर 2021 में मुख्तार से बांदा जेल में पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के इसी मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास अंसारी चित्रकूट और मुख्तार का साला नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। ऐसे में मुख्तार को लेकर क्या कुछ नया फैसला आता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज।